आखिर राहुल गांधी के शॉर्ट्स वाले बयान से परेशान क्यों है कांग्रेस? क्या गुजरात में राहुल गांधी ने अपनी हार तय कर ली? गुजरात में अपना वनवास खत्म करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और इसलिए वे लगातार न सिर्फ सूबे का दौरा कर रहे हैं बल्कि अपनी सभाओं के दौरान केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर कोस भी रहे हैं। लेकिन अपनी एक सभा के दौरान राहुल कुछ ऐसा बोल गए जिसने पार्टी को असहज कर दिया है। दरअसल अपनी गुजरात यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वडोदरा में लोगों को संबोधित करते हुए संघ में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि क्या अपने संघ की शाखा में महिलाओं को शॉर्ट्स में देखा है? हमने तो नहीं देखा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के इस बयान को बीजेपी ने बिना देरी किए लपक लिया और उसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। सबसे पहले मोर्चा संभाला पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए आनंदीबेन ने कहा कि राहुल ने ऐसा कहकर पूरे राज्य की महिलाओं का अपमान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल ने इस बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो आने वाले चुनाव में वे बची कुची सीट भी गंवा देंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस बयान के लिए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी राहुल के इस बयान को चुनाव में मुद्दा बना सकती है और कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि राहुल ने ये बयान देकर भारी गलती की है। पार्टी के कुछ नेताओं का तो ये तक कहना है कि सूबे की महिलाएं राहुल के इस बयान से नाराज हो सकती हैं, इसलिए हमें हर हाल में इस गलती से बाहर निकलना होगा। इतना ही नहीं, पार्टी नेताओं को लगता है कि उनका ये बयान प्रदेश में वनवास खत्म करने की कांग्रेस की उम्मीदों को पलीता लगा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अब राहुल के इस बयान पर कौन सा रुख अपनाती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।